आखिरकार वही हुआ जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे। ललन सिंह ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक थी जिसमें पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। चर्चाओं का बाजार गर्म था, लगातार ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद का जो कमान है वो संभाल सकते हैं। लेकिन इसी बीच जेडीयू के कई नेताओं ने लगातार इस बात को खारिज किया, लगातार मीटिंग के पहले भी ये कहते नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अफवाह फैलाया जा रहा है। अब बड़ी खबर सामने आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। मीटिंग के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई थी उसको देखकर साफ तौर पर लग रहा था कि ललन सिंह खुद ही अपना जो इस्तीफा है वो पेश कर सकते हैं, और आखिरकार वही हुआ। मीटिंग के दौरान की तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से ललन सिंह और नीतीश कुमार एक दूसरे से उखड़े उखड़े नजर आए। दोनों नेता एक साथ बैठे थे, अगल बगल बैठे थे, लेकिन ना ही दोनों नेताओं में से किसी ने एक दूसरे से नजर मिलाई और ना ही एक दूसरे से बात किया। और अब अंदर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक चल रही है, इसी बीच बड़ी खबर सामने आई, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने के बाद अब जेडीयू का ये पद कौन संभालता है, क्या नीतीश कुमार खुद जेडीयू की कमान अपने हाथ में लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।